अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ट्राई करने, और रिसेंटली ही ज़ाया तबारिक जो स्ट्रीट फूड पीके के नाम से बहुत फेमस है, उन्होंने रिकमेंड किया है। तो वहाँ जाकर देखते हैं कि उनका फूड कैसा है। और स्पेशली मैं जा रही हूँ निहारी के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि निहारी जो है वो कराची की निहारी की जैसी है। तो लेट्स गो एंड ट्राई। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का नाम है तंदूरी बिस्ट्रो। तो JLT में हूँ मैं, JLT में है, और JLT का जो एनवायरनमेंट है वो वैसे ही बहुत प्यारा है। तो अब जाकर देखते हैं कि खाना कितना अच्छा है। JLT में एक और रेस्टोरेंट है लिटिल लाहौर के नाम से, उनका भी खाना बहुत अच्छा है, लेकिन उनका खाना जो लाहौर का जो टेस्ट होता है वैसा खाना, यानी कि वहाँ के सीख कबाब बारबेक्यू है वो बिल्कुल पाकिस्तानी लाहौर का जो फूड है बिल्कुल उसके जैसा है। तो अगर आपने उनका ट्राई करना है तो मैंने ऑलरेडी उसका भी व्लॉग बनाया हुआ है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक देख सकते हैं। बिस्ट्रो आ गए। मोस्टली यहाँ JLT में पार्किंग का इशू होता है, लेकिन आज हमें पार्किंग बड़े आराम से मिल गई है। तो चले चलते हैं रेस्टोरेंट। अच्छा, अभी जबकि टाइम नहीं है, डिनर का स्टार्ट नहीं हुआ, बहुत अर्ली है, लेकिन रश है। और अभी से ही मज़ेदार खुशबुएं जो हैं वो आ रही हैं, और ये इनकी बाहर की सेटिंग है। और यहाँ पर है ये पीछे लेक। ये जगह हमें हमेशा से अच्छी लगती है, तो हम अक्सर आते रहते हैं यहाँ पर डिफरेंट रेस्टोरेंट ट्राई करने। भी लगा हुआ है। और ज़बरदस्त है, उन्होंने बाहर की भी जो सेटिंग वाला एरिया बड़ा अच्छा सा लैंप वगैरह लगा कर तो बड़ी अच्छी लाइटिंग वगैरह की है। भूख लग रही है? नहीं। क्या खाओगी वरीशा? चिकन। चिकन खाएंगी वरीशा। अच्छा, तो ये इनका मेन्यू है। वैसे तो उन्होंने ज़ियाद तबारिक ने जो बताया था, इनकी चिलमन बिरयानी, निहारी, और वो कौन से कबाब थे? गलवाटी कबाब। मैंने कभी नहीं खाए हैं, तो हम शायद वो भी ट्राई करें। ओके ओके, गलावटी कबाब। अच्छा, बुफे भी लगा हुआ है, लेकिन उनमें वो चीज़ें नहीं है जो हमने ट्राई करनी थी, तो इसलिए हम अला कार्ट यूज़ कर रहे हैं और इसे ऑर्डर करेंगे। तक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक तो मौसम बहुत अच्छा है आज, और खाने की मज़ेदार खुशबुएं आ रही हैं। तो पीछे जो है वो लेक का व्यू है, तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी फ़िलहाल तक। तो अब खाना खा के मैं आपको बताऊंगी कि खाना कैसा है। अच्छा, एक धागा कबाब भी है ना? धागा कबाब कर देंगे, वो मिक्स ग्रिल में है, मिक्स ग्रिल में धागा कबाब कर देंगे आपके लिए। ठीक है, तो वो चिकन और बीफ मीट मिक्स है क्या? मिक्स कर देंगे आप, अगर चिकन आपको मीट में मिक्स चाहिए मिक्स कर देंगे, अगर खाली मीट का चाहिए तो मीट का कर देंगे, खाली चिकन का चाहिए नहीं मिक्स चाहिए हमें, मिक्स कर देंगे, नो प्रॉब्लम। एक मिक्स ग्रिल कर दें वो वाली, मिक्स चाहिए, एक निहारी, एक निहारी कर दें, और फिर एक ये चिलमन बिरयानी। ओके, इसकी टिकट है।
मज़ेदार। और ये जूस भी हम उन्हीं की रिकमेंडेशन पर पी रहे हैं। कैसा लगा मैं? अच्छा है, पैशन फ्रूट मोहितो है, बहुत अच्छा है। आपको तो वैसे भी लेमन में दो रेस्टोरेंट की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो हमारे जो हैं वो जो बारबेक्यू है वो आ चुका है, अपनी हारी और बिरयानी का वेट कर रहे हैं। जब सब चीज़ें आ जाएंगी तब खाना स्टार्ट करेंगे। क्या हुआ हज? यू स्केयर्ड? और मेरी फेवरेट निहारी भी आ गई है। मैं नली निहारी का ऑप्शन नहीं थी, आप बोल रहे हैं? अच्छा, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। मैं बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। मैं इससे पहले धागा कबाब जो है वो ट्राई करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अरसा हो गया वो खाए हुए, बहुत साल हो गए। कराची में तो हर शादी में होता है। बिरयानी में खाने लगा। अच्छा। ट्राई करते हैं। अच्छी है। कैसी है? कराची वाला टेस्ट आ गया? कराची वाला है, मार्केट में जितनी बिरयानी है उनसे तो अच्छी है। लेने लगी हूं बिरयानी। कराची की बिरयानी है, उसमें आलू ना। मैं ट्राई करती हूँ बिरयानी। गरम है बहुत तुम्हें? बिरयानी बहुत ही मजे की है, बहुत ही मसाले वाली है और बिल्कुल कराची की जैसी है, जबरदस्त बिरयानी है। बहुत मजा आ रहा है। खाना जो हमने खा लिया है, खाना बहुत ही मज़े का था और सबसे ज़्यादा अच्छी थी बिरयानी। चिलमन बिरयानी ना हमने मंगवाई थी, तो बिरयानी बहुत बहुत अच्छी थी और खाना भी बहुत अच्छा था। बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन नंबर वन जो हमने दिया वो हम बिरयानी को देंगे। तो अगर प्योर सही वाली कराची की बिरयानी खाने का दिल करा तो तंदूरी बिस्ट्रो ज़रूर आए। आहत ने जो है वो अब तंग करना शुरू कर दिया। शुक्र है खाने के टाइम पे नहीं किया। हमने खाना बहुत आराम से खाया और बहुत ज़्यादा खा लिया है कि अब हमें लगता है कि हमें शदीद वॉक की ज़रूरत है। दिल कर रहा है तो सो जाएं, लेकिन वॉक करना ज़रूरी है। हमने डिसाइड किया कि हम इसी एरिया में वॉक करेंगे और फिर घर जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा खाना खाया है। खाना बहुत मज़े का था और बिरयानी के लिए स्पेशली यहाँ बार बार आया जा सकता है। दिन में गर्मी हो गई है हमें अभी, लेकिन रात में नहीं है। अच्छा है, ठंडा ठंडा सा मौसम है, ज़बरदस्त मौसम है। अरे अच्छी बात है, जितना और टाइम अच्छा सा ठंडा सा गुजर सकता है बहुत अच्छा है ना। यहाँ की गर्मी में बाहर भी सांस लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सिर्फ इन दो लोगों की वजह से हम यहाँ आ गए हैं, ताकि ये लोग भी इंजॉय करें। आहत तो बहुत खुश है। आहत तो ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। और अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय। अच्छा तो ये है पैशन फ्रूट, पैशन फ्रूट मोहितो। अच्छा तो ये है पैशन फ्रूट, क्या ना
पैशन फ्रूट मोहितो। अच्छा ये है पैशन। अच्छा ये है पैशन।